सब्सक्राइब करें रियल रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने टू टाइप के फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है और प्लेन फैब्रिक हमने 3.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे, शोल्डर का हाफ हमें लेना है 7 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंचेस। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने 10.5 इंचेस लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हमने ली है 9.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नेक की लेंथ हम लेंगे 5.5 इंचेस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेना है और नेक की लेंथ हम लेंगे 3.5 इंचेस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने दोनों पार्ट की नेक ड्रॉ कर ली है। अब इसे कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक कट कर ली है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लेंथ हमने ली है 15 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस। यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। नीचे हम स्लीव की मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस और यहाँ से लेके नीचे तक इस तरह हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और 1 साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए इस तरह के 2 पीस लिए हैं जिसकी लेंथ हमने ली है 35 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 26 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह हमने 2 फोल्ड कर लिया है। आउटसाइड नीचे की तरफ हमें 6 इंच पे मार्क करना है और इस तरह फोल्डिंग साइड ड्रॉ करते हुए राउंड शेप देना है और इसे कट करेंगे। ऊपर की तरफ हम कमर की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पे हमें टॉप पार्ट को रखना है।
टॉप पार्ट हमने लिया है, इसे इस तरह टू फोल्ड करके फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से लेके ऊपर तक इस तरह क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह बैक का बॉटम पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट का बॉटम पार्ट लिया है, इसे टू फोल्ड करके रखा है। फोल्डिंग साइड से हमें ऊपर से नीचे हमें 20 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें राउंड शेप देते हुए, इस तरह का राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसे कट करेंगे। ऊपर की तरफ कमर की चौड़ाई लेंगे, इसके लिए हम टॉप पार्ट को रखेंगे फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। फ्रंट में दो लेयर आएगा बॉटम पार्ट के, दूसरा लेयर के लिए हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसे हमने सिंगल बिछाया है। अब नीचे की कॉर्नर को ऊपर की तरफ इस तरह टर्न करके ट्रायंगल से बनाएंगे। इस तरह हमने ट्रायंगल से बना लिया है। अब यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए टॉप पार्ट को टू फोल्ड करके रखेंगे और मार्क करेंगे। इस तरह राउंड से देते हुए मार्क कर लेना है। बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 30 इंचेस। इस तरह राउंड में हम 30 इंचेस मार्क कर लेंगे। इस तरह राउंड देते शेप देते हुए हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो इस तरह कट कर लिया है, इसे ओपन कर लेंगे। अब हमने बैक का टॉप पार्ट लिया है, इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। अब नेक के लिए हमने प्रिंटेड फैब्रिक को टू फोल्ड करके रखा है, इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट को रखेंगे। नेक साइड को फोल्डिंग बॉर्डर को की तरफ रखना है और इसे इस तरह अच्छे से मिला के हम मार्क करेंगे। इस तरह नेक मार्क कर लिया है। अब नेक से आउटसाइड हमें थ्री इंच पे मार्क करना है। राउंड में हम इस तरह 3-3 मार्क कर लेंगे। सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरह राउंड शेप देना है और इसे कट कर लेंगे।
अब दूसरा पीस इस तरह इसी नाप का दूसरा पीस कट करेंगे। इस पीस को इस तरह फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और एजेटिंग से कट कर लेंगे। इस तरह के दो पीस हमने कट कर लिए हैं। अब इस पीस को हम राइट साइड रखेंगे और इसके ऊपर दूसरे पीस को उल्टा रख के नीचे के राउंड शेप की बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने इस पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब फ्रंट का पार्ट हम लेंगे, इसे रॉन्ग साइड से हमें अटैच करना है नेक पे और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह मैंने इस स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को टॉप पार्ट के ऊपर उल्टा रख के इसे अटैच करेंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। इस तरह दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब स्लीव के नीचे हमें रफल अटैच करना है, अम्ब्रेला स्लीव। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ हमने ली है 28 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 30 इंचेस। इस फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम मोरी की चौड़ाई लेंगे। इसके लिए हम स्लीव की मोरी को इस तरह सिंगल इसके ऊपर रख के मार्क कर लेना है और नीचे के फ्लेयर के लिए हम इसकी लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस और इस तरह राउंड शेप में 5.5 इंचेस मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह हमने इस रफल को कट कर लिया है। इस तरह के दो लेयर हैं हमारे पास। दोनों लेयर के नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद स्लीव की मोरी की बॉर्डर पे हमें इसे अटैच करना है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। ये फ्रंट का बॉटम पार्ट है। यहाँ पे हमें सेंटर में कट लगाना है। फोल्डिंग बॉर्डर से आउटसाइड की तरफ थ्रीज पे मार्क करेंगे। नीचे तक हम इस तरह थ्रीज पे मार्क कर लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। ये सेंटर का स्ट्रिप है। दोनों तरफ ये पीस आएगा। अब सभी बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है।
इस तरह की फोर स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचीस। इस स्ट्रिप को राइट साइड से इस तरह सभी बॉर्डर पे रखना है। इस तरह सभी बॉर्डर पर रख के सिलाई लगानी है और इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। अब सभी पीस को हमें इस बॉटम पार्ट के ऊपर फ्लेयर के ऊपर रखना है। इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। सेंटर में हमें इस स्ट्रिप को अटैच करना है। इसके बाद ये दोनों पीसे साइड पे अटैच करेंगे। सभी पीस को इस तरह रख के अटैच कर लेना है और इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब दोनों बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब स्लीव से लेकर नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह कुर्ती को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है और इस कुर्ती पे हमने तसल से डेकोरेट किया हुआ है। तो फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती हमने रेडी कर ली है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।